नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, दमोह जिले से कोरोना ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। आज 23 मई को दमोह में 55 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, आंकड़ा सुखद खबर निकल कर आई है। आंकड़ा घट रहा है और दमोह वासियों के लिए अच्छी खबर है। 55 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे सावधानी बनाए रखें, तभी इस कोरोना जैसी महामारी पर कंट्रोल किया जा सकेगा। आज जो 55 मरीज सामने आए हैं, उनमें पटेरिया से एक, पथरिया से दो, बासा कला से एक, नरसिंहगढ़ से तीन, हटा से दो, चोपड़ा से एक, रोन से एक, लखनी से एक, जबेरा से दो, पटी चोपड़ा से एक, पटी महाराज से एक, नोटा से एक, तेंदुखेड़ा से दो, पौंडी से एक, पिडरई से दो, हिंगवानी से दो, बरखेड़ा से एक, जटा शंकर कॉलोनी से एक, पुलिस लाइन दमोह से दो, बड़ापुरा दमोह से एक, फुटेरा वार्ड दमोह से एक, बांसा से एक, सूखा से एक, दमोह से 12, खजरी से एक, रामनाथ पिपरिया से एक, धर्मपुरा वार्ड दमोह से एक, बजरिया वार्ड दमोह से एक, सिविल वार्ड दमोह से एक, हटानाका से एक, बड़ी तिदनी से तीन, हिंडोरिया से दो शामिल है। ये पूरी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने दी है। सावधानी बनाए रखें।